रायपुर में बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। नारायण चंदेल ने कहा कि 24 अगस्त को बीजेपी युवा मोर्चा सीएम हाउस का घेराव करेगी, बेरोजगारी को लेकर ये जंगी प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता बढ़ रही है और सरकार किसानों का पैसा खा रही है। इसके अलावा नारायण चंदेल ने सीएम भूपेश बघेल से बेरोजगारी को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। आने वाले 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो हमारी युवा इकाई है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी में बेरोजगारी के विषय को लेकर के हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं। और 24 तारीख का ये जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता युवा मोर्चे का एक जंगी प्रदर्शन है, विशाल प्रदर्शन है। कांग्रेस का जन घोषणा पत्र लॉन्च हुआ, जनता के सामने में आया। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे या 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से पूछना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के सामने में बेरोजगारी के विषय पर श्वेत पत्र जारी करें। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी भूपेश जी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। सारे विकास के काम ठप हैं, प्रदेश धीरे धीरे अराजकता की ओर बढ़ रहा है, लगातार कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो जा रही है। और सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है तो छत्तीसगढ़ का भूमि पुत्र और अन्नदाता किसान पीड़ित है। किसानों का पैसा ये खा रही है और किसानों के हित में ये ढिंढोरा पीट रही है।